बुधवार को नगर निगम कार्यकारिणी कक्ष में महापौर नवीन जैन की अध्यक्षता में 22वीं कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा करने के साथ ही शहर हित में कई प्रस्तावों को पास किया गया। बैठक की शुरुआत में कार्यकारिणी समिति के 21वें अधिवेशन की बैठक के कार्यवत की पुष्टि की गई। बुधवार को नगर निगम कार्यकारिणी कक्ष में हुई कार्यकारिणी बैठक में महापौर नवीन जैन द्वारा नगर निगम में नवीन सदन बनाने की घोषणा की गई। वहीं विभिन्न पार्षदों ने नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में शहर के हित में अपने अपने प्रस्ताव रखे। बैठक में नगर निगम मूल बिल्डिंग के पीछे खाली पड़ी जमीन पर नवीन सदन का निर्माण किए जाने एवं इस निर्माण में आने वाले खर्च से जुड़ा प्रस्ताव लाया गया। भूतल सहित 3 मंजिला इस नवीन सदन में लगभग 300 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण में लगभग 25 करोड़ का खर्च आएगा। इस प्रस्ताव को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सर्वसम्मति से पास किया गया। शहर में बढ़ते बंदरों के उत्पात को देखते हुए इस समस्या के समाधान हेतु बंदरों की नसबंदी का प्रस्ताव भी लाया गया। 10,000 बंदरों की नसबंदी के लिए वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा 3.48 करोड़ की धनराशि व्यय करने का प्रपोजल रखा गया। इस व्यय राशि को शासन से स्वीकृत होना जरूरी है, इसलिए बंदरों के उत्पात से निजात पाने के लिए शहर हित में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को सदन में अनुमोदित कराकर शासन को भेजने हेतु पास किया गया। पार्षद नेहा गुप्ता ने बैठक में प्रस्ताव रखा कि वर्तमान में आगरा शहर में माथुर वैश्य समाज का कोई प्रतीक चिन्ह व स्तंभ कहीं भी स्थापित नहीं है। इसके लिए माथुर वैश्य समाज के पूर्वजों की स्मृतियों को सजोए रखने के लिए आगरा में कमला नगर अथवा बलकेश्वर क्षेत्र के किसी चौराहे पर माथुर वैश्य समाज का एक स्तंभ स्थापित किया जाए। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पास हो गया। साथ ही महापौर ने पार्षद नेहा गुप्ता और पार्षद प्रदीप अग्रवाल को यह जिम्मेदारी दी कि वह स्तंभ स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन कर अवगत कराएं। पार्षद नेहा गुप्ता ने दूसरा प्रस्ताव रखा कि पुरानी विजयनगर कॉलोनी में विजय क्लब रोड एवं चौराहा का नाम श्री राम बाबू बंसल जी के नाम से रखा जाए। सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया। कार्यकारिणी के उपसभापति करमवीर सिंह ने प्रस्ताव रखा कि शास्त्रीपुरम चौराहे पर कायस्थ समाज के गौरव व श्री चित्रगुप्त महाराज जी के वंशज पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित की जाए। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्षद कर्मवीर का दूसरा प्रस्ताव यह रखा गया कि यमुना किनारा मोड़ से फाटक सूरजवान होते हुए शेख सरिया गर्ल्स स्कूल रोड का नाम समाज सेवी प्राचीन पुष्टीय मार्ग मथुराधीश मंदिर के महंत स्वर्गीय श्री हरिमोहन श्रोती के नाम से किया जाए। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्षद अमित ग्वाला ने प्रस्ताव रखा कि पालीवाल पार्क स्थित जोन्स लाइब्रेरी का नाम लोकतंत्र सेनानी एवं महान राष्ट्रभक्त श्री अधीश कुमार के नाम पर रखते हुए अधीश पुस्तकालय किया जाए। इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्षद सुषमा जैन ने प्रस्ताव रखा कि जयपुर हाउस स्थित आलोक नगर बी चौराहे का नाम धर्म आध्यात्मिक ज्योतिषी एवं शिक्षा जगत के अग्रणी और संस्कृत मनीषी स्वर्गीय डॉक्टर चंदन लाल पाराशर के नाम से किया जाए। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्षद मोहन शर्मा ने प्रस्ताव रखा कि पिछले 43 वर्षों से शहर में निकलने वाली वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा के व्यय हेतु नगर निगम द्वारा दिए जाने वाले 40,000 की अनुदान राशि को बढ़ाया जाए। कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से इस अनुदान को बढ़ाकर 50,000 रुपए का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे, पार्षद प्रदीप अग्रवाल, पार्षद महेश संवेदी, अपर नगर आयुक्त प्रथम सुरेंद्र यादव, अपर नगर आयुक्त द्वितीय विनोद गुप्ता, जलकल GM RS यादव, मुख्य अभियंता निर्माण BL गुप्ता, मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिकी पंकज भूषण, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अतुल भारती, मुख्य कर निर्वाचन अधिकारी रोहन सिंह, CFO उदयवीर सिंह यादव, सहायक नगर आयुक्त सरता सिंह, सहायक नगर आयुक्त अश्विनी कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय यादव, स्मार्ट सिटी नोडल प्रभारी RK सिंह की मौजूदगी रही। प्रातः दर्पण न्यूज से ताजनगरी आगरा के लिए वरिष्ठ पत्रकार चंदन सिंह की रिपोर्ट।